तो गुड इवनिंग गाइस, शाम को आज मैं बना रही हूँ पायस। आज शनिवार का दिन, कल राखी है, तो आज मैं खीर को बना के रख दे रही हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, इधर मैंने 1 किलो दूध लिया है, उसको गर्म कर लेंगे अभी। तो इस तरफ देखिए, मेरा चावल भिगा के रख दिया था मैंने चावल को, और दूध में बॉयल आ गया है, उबाल आ गया, तो इसमें हम चावल को और एक दो बार अच्छी तरह से धो के उसमें दे देंगे, और लगभग 1 घंटा को खीर पकाएंगे हम। 1 घंटा लगेगा पूरा खीर पकने में। तो आप सबको पहले से ही हैप्पी राखी। सब मेरे भैया तो बहुत दूर में रहते हैं, तो मैं जाना संभव नहीं है। हम लोग भाई दूज में जाते हैं। तो अभी मैं दीप है, उसका राखी बांधेंगे बच्चे लोग। तो आज से थोड़ा तैयारी कर रही हूँ, खीर बना रही हूँ, और कल का थोड़ा बहुत तो कल पकाऊंगी। तो अभी पकने दे रही हूँ इसको। बीच बीच में मैंने इसको चला दिया है ताकि दूध लग ना जाए, तो खीर को बीच बीच में चलाना चाहिए, और मीडियम गैस पे पकाएंगे इसको। इस तरफ देखिए, मैं ड्राई फ्रूट ली हूँ कुछ, उसको छोटा छोटा काट लूँगी। और उधर देखिए, हम लोग खीर में चीनी नहीं देंगे, बतासा देंगे, गुड़ वाला बतासा। तो एक कटोरी मैंने रखा है, किशमिश को भिगो के रखा है। किशमिश आधा खीर पक जाएगा तब हम किशमिश दे देंगे। तो अभी चीनी दे देंगे, उसके बाद बतासा दे देंगे, उसके बाद जो किशमिश है वो दे देंगे। तो मैं ज़्यादातर खीर इसमें बनाती हूँ, गुड़ वाला बतासा में, गुड़ में बहुत टेस्टी बनता है चीनी छोड़ के। तो देखिए, अभी मैंने किशमिश को भी दे दिया। किशमिश थोड़ा पहले देना पड़ता है ताकि अच्छी तरह से वो पक जाएगा, इसीलिए किशमिश को भिगा के भी रखते हैं। इस तरह देखिए, मेरा पक रहा है। अभी कम से कम और 15-20 मिनट पकाऊँगी खीर को, उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट भी दे दूँगी। ड्राई फ्रूट देख, 15-20 मिनट पकने के बाद मैं ड्राई फ्रूट दे रही हूँ। देखिए, खीर गाढ़ा हुआ है, गाढ़ा हो चुका है, और ठंडा हो जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, मेरा खीर पक चुका है, और मैं आधा ढक्कन लगा के उसको ढक के रख देंगे। पूरा ढकेंगे नहीं, पूरा ढकेंगे तो खीर खराब होने का चांस रहता है। और सॉरी, मैंने इलायची देना भूल गई थी, फिर लास्ट में मैंने इलायची देके और थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी। देखिए खीर कितना अच्छा बना है। इलायची दूध फूटने के साथ में देते हैं, तो मेरा माइंड से स्लिप हो गया था, तो इलायची मैं बाद में दे रही हूँ। आप लोग दूध जब बॉईल आ जाए तभी इलायची दे दीजिएगा। तो मेरे स्टाइल का मैंने खीर बना के आप लोग के साथ शेयर किया, कैसे लगा ज़रूर बोलिएगा। और ये देखिए, खीर पक चुका है, कितना क्रीमी कलर आ चुका है। हम इसको बॉल में, एक सर्विंग बॉल में हम इसको ले लेंगे, और इसको थोड़ा सा ऊपर से काजू बादाम ये सब दे के डेकोरेशन कर लेंगे। तो कैसे लगा मेरा आज का डिश ज़रूर बोलिएगा। टाटा, बाय बाय।